जेक पॉल और नीरज गोयात की लड़ाई में जीत दोनों की होने वाली है। अभी ये दोनों एक बॉक्सिंग मैच प्लान कर रहे हैं और उसी की हाइप क्रिएट करने के लिए फुल गहमा गहमी चल रही है। दोनों वीडियोस डाल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं ताकि ऑडियंस पूरी इंगेज हो जाए। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भैया पूरी फाइट स्क्रिप्टेड है। अब इसकी इतनी हाइप इसलिए क्रिएट करी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस देखे इस मैच को, क्योंकि जितनी ज्यादा व्यूअरशिप उतनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप और उतना ज्यादा पैसा। पर बॉक्सिंग में असली पैसा आता है बेटिंग से, लाखों करोड़ों में सट्टे लगाए जाते हैं। 2015 में मेवेदर वर्सेस पकिनो के सिंगल मैच ने $800 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करा था और मेवेदर ने उस इकलौते मैच में $150 मिलियन कमाए थे, इंडियन रुपीज में 1200 करोड़। इसलिए हर कमर्शियल बॉक्सिंग मैच से पहले ऐसी हाइप बनाई जाती है, फिर चाहे उसके लिए कितनी भी नौटंकी क्यों ना करनी पड़े। वैसे देखा जाए तो हर किसी के लिए एक विन विन सिचुएशन है। जनता एंटरटेन होगी, ये दोनों करोड़ों में पैसा छापेंगे और नीरज गोयात को इंटरनेशनल फेम मिलेगा। मैच में आप कोई जीते या हारे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सब स्क्रिप्टेड होगा। अब तुम कमेंट्स में बताओ कि स्क्रिप्टेड मैच का विनर कौन हो सकता है। बाकी वीडियो पसंद आई हुई तो फॉलो सब्सक्राइब कर देना।